प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका आप लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार और काफ़ी दिनों से था। तो उस सारी ही आपके द्वंद्व को आज के इस वीडियो में लगभग 5 मिनट में आपके सारे ही द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः 3 बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात होगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपका लगभग आ चुका है, मतलब सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, और उसके साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम कौन कराएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद कराएगा, मतलब पिछले सिलेबस पर होगा कि सिलेबस चेंज होगा, या फिर NDA कराएगा, और आपके पेपर कब होंगे, और आपके रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया काउंसलिंग वगैरह कब होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि आप लोगों का फॉर्म 15 से 20 जुलाई के बीच में लगभग 100% आ जाएगा। ये जानकारी लगभग ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी नहीं आया है, लेकिन हर जगह हर न्यूज़पेपर में ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगठक कालजो समेत में नए शैक्षणिक सत्र 2021 में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 से 20 जुलाई के बीच शुरू हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म 15 से 20 जुलाई के बीच में आएगा, और लगभग आपको 5 अगस्त तक फॉर्म भरने का 20 दिन का समय मिलेगा, जिसके थ्रू आप लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट universityofallahabad.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहली बात यह क्लियर हुई कि आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म 15 से 20 जुलाई के बीच में 100% आ जाएगा, इसमें कोई द्वंद्व और सोचने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह बहुत ज़रूरी आपको समझना है कि आपका पेपर कराएगा कौन। अगर आप लोग जानते होंगे तो पिछले साल तक हर बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, वही अपना एंट्रेंस करवाते थे, और उसी के थ्रू आगे की सारी प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद करता था। लेकिन इस बार हुआ ये, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका एग्जाम कराएगी, तो अपने हिसाब से नया सिलेबस और नया शेड्यूल जारी करेगी। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आता है और प्रक्रिया अपडेट होती है, तो आप लोगों को आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल है, उसके साथ साथ आपके प्रश्न कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें ही आपको अपडेट कर दी जाएंगी। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है AU कैंपस के नाम से, उससे भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही कोई PDF या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम वहाँ पर आपको दे देंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग ये 2-3 चीज़ें समझ गए होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कब आएगा। और इस बार देख लीजिए, साफ तौर पर नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त या सितंबर में परीक्षा होगी, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा हो सकती है, और उसके अलावा 15 जुलाई तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कब आपका फॉर्म आएगा और आगे की प्रक्रिया। साथ साथ आपको ये समझना जरूरी है कि आप लोगों का जो परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आयोजन की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जाएगी, वहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में मिले नंबर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। जितना अच्छा आपका एंट्रेंस में नंबर होगा, उसी हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया, आपको हॉस्टल मिलना, आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलना। जैसे मैं BA में बात करूँ तो BA में लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट, लगभग 20-25 सब्जेक्ट हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़ी अच्छे हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका नंबर कम है तो अरबी हुआ, संस्कृत हुआ, या फिर जो है मतलब ऐसे बहुत ही उस तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट आपको मिल पाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान ये देना कि आपके एंट्रेंस पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि आपके एंट्रेंस का नंबर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको हॉस्टल से लेकर अच्छे सब्जेक्ट तक दिलवा सकता है। तो आप लोग अभी से जो इससे मतलब जो फंडामेंटल पैरामीटर हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी हुआ, इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसको आप लोग पढ़ते रहिए, जहां पर भी हो अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। बाकी आगे की प्रक्रिया जैसे ही आती है, मैं आप लोगों को समय समय पर इन्फॉर्म और अपडेट करता रहूंगा, और जैसे ही सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं, सिलेबस भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।